हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फोन फिक्स हैदराबाद। अभी आप देख रहे हैं अपने पास एक फ़ोन है पोको K30 का। तो इसके अंदर जो है प्रॉब्लम है, टच नॉट वर्किंग है। तो एक बार इसे चेक कर लेंगे जो इसके अंदर टच जो नहीं चल रहा है। डिस्प्ले कनेक्टर है, उस फोन को ऑन कर लेंगे। इसके अंदर टच काम नहीं कर रहा है फ्रेंड्स, कोई भी टच वर्क नहीं कर रहा है। देखेंगे इसके अंदर इश्यू कहाँ है, क्या चीज से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ठीक है, यहाँ जो दिख रहा है डिस्प्ले कनेक्टर एंड टच का भी लाइन यहाँ ही रहता। ऑलरेडी इसके अंदर कुछ काम करे कोई लोग, इसको एक बार अच्छा से क्लीन कर लेंगे। पहले जो कूल टेस्टिंग कर लेंगे प्रॉपरली। अभी अपन ओपन कर लेंगे स्कीमेटिक डायग्राम। तो यहाँ अपना स्कीमेटिक डायग्राम प्रोग्राफिक्स ओपन कर लिया अपन। लॉगिन Showing हमारी जो मॉडल था K30 अभी अपन ने स्कीमेटिक डायग्राम ओपन कर लिए। देखेंगे अपना लेआउट के अंदर, यहाँ जो दिख रहा है ये है अपना J6400 जो है अपना डिस्प्ले एंड टच के लिए कनेक्टर है। इसी को सेलेक्ट कर लेंगे इसमें और J6400 को इसमें सर्च करेंगे। J6400 आगे अपना टच की कनेक्टर है, डिस्प्ले की कनेक्टर यहाँ। तो एक बार मैं इसको जूम करके बताता हूँ। ये सारे लाइन जो है MIPI लाइन्स है जो ग्राफिक के लिए वर्क करते हैं। इधर साइड में आके देखेंगे, इधर साइड में तो यहाँ जो दिख रहा है फ्रेंड्स ये है अपना टच के लिए जो कनेक्शन सारे। ये LCD थर्मल का लाइन है, नीचे का लाइन से लेके TP रिसेट एन, TP INTN, TP SPI क्लॉक, TP SPI मिसो मोसी और TP SPI CS। ओके,
अभी हम जो चेक करें इसके अंदर ये सारा लाइंस को चेक कर लेंगे एक एक करके। तो इसका सारा लाइन का कूल टेस्टिंग लेंगे, इसके अंदर हार्ट टेस्टिंग लेंगे। जैसे अपन पहले कूल टेस्टिंग लेते हैं उसमें अपने को पता चलता है जो लाइन ओपन है या ट्रैक कटा हुआ है या उस लाइन में जो है रेजिस्टेंस डाउन हुआ या क्या हुआ। इसके अंदर पहले अपन कोई भी सेक्शन रिपेयर करने के लिए फर्स्ट कूल टेस्ट प्रॉपर करना है। देखेंगे अभी कूल टेस्ट। और ये वाला साइड जो लाइन है पूरा MIPA एक ही लाइन है, इसकी स्कीमेटिक डायग्राम के अंदर देख लिए हम। और इसके अंदर ये वाला अपोजिट जो लाइन है यहाँ से लेके 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक जो लाइन है टच के रिलेटेड की लाइन है, चेक करेंगे अभी इसमें लाइन कौन सा प्रॉब्लम है क्या है। पहले तो चेक करेंगे कूल टेस्ट, ठीक है। यहाँ जो चेक करेंगे इसके ऊपर 511 रीडिंग आ रहा है, इसके नेक्स्ट वाले पे चेक करेंगे इसका भी सेम रीडिंग है, इसके अंदर 509 है, इसके अंदर भी 509 है, इसके बगल में चेक कर लेंगे इसके ऊपर कोई भी रीडिंग नहीं है, इसका नेक्स्ट कनेक्शन चेक करेंगे 506 है, अपना 1 2 3 4 5 6 लाइन्स। ओके, तो यहाँ जो लाइन मिस है ये एक रेस्टर के साथ कनेक्टेड है, और ये वाला रेस्टर के ऊपर देखेंगे यहाँ भी कोई रीडिंग शो नहीं कर रहा है। यहाँ देखेंगे ये वाला इसके ऊपर कोई रीडिंग शो नहीं कर रहा है, इसके ऊपर 509 शो कर रहा है। और ये रजिस्टर के ऊपर देखेंगे यहाँ भी कोई रीडिंग नहीं, इसका बैक तरफ देखेंगे यहाँ भी कोई रीडिंग नहीं आ रहा, ठीक है। ये जो लाइन कनेक्टेड है अपना CPU से लेके कनेक्टेड है, तो देखेंगे इसके अंदर जो ट्रैक मिस हुआ है ये CPU से लेके ही आता है फ्रेंड्स। अभी इसको एक बार CPU रिमूव करके रिबॉल करके फिर यही लाइन को अपन चेक करेंगे अपना ट्रैक ओके हुआ। ये तो फिर गया अपने को कूल टेस्टिंग में ही फॉल्ट, तो चेक करेंगे इधर से। एक दो तीन चार पांच छह लाइन काम कर रहे हैं इसके अंदर जो टच के लिए। अभी अपन सारा कूल टेस्ट कर लिए फ्रेंड्स। अभी अपना कूल टेस्टिंग के अंदर TP SPA CS का जो लाइन था ये वाला लाइन जो अपना इसके अंदर कूल टेस्टिंग के अंदर कोई रीडिंग शो नहीं कर रहा था। अभी चेक करेंगे ये वाला लाइन किधर से आ रहा है, इसको नेक्स्ट कर लेंगे, सेलेक्ट कर लिए और इसको थोड़ा जूम डाउन कर लेंगे। ये जो लाइन आ रहा है फ्रेंड्स अपना CPU से कनेक्ट हो रहा है, GPIO जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट यहाँ से आ रहा है। ये वाला जो लाइन है अपना मिसिंग है। अभी हम करेंगे ये वाला लाइन को फर्स्ट ट्रैक को ओपन करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे। इसके लिए जो फ्रेंड्स अपन CPU रिवॉल्व करना पड़ता है, CPU से जो ट्रैक मिस हो रहा है, ठीक है। अभी हम आगे जाके काम स्टार्ट करेंगे CPU का, और इसमें ब्लैक पेस्टेड का CPU है, ये भी खोल के रिवॉल्व करके लगा के फिर से चेक करेंगे इसके ऊपर अपना GR ओके हो रहा है या नहीं।
ब्लैक पेस्टेड सीपीयू रिमूव करने के लिए प्रॉपर हैंड स्किल होना है और प्रॉपरली हीट देना है। हम यहाँ कोई भी सेफ्टी यूज़ नहीं करा, ना ईएमएमसी पे कुछ वो ये नहीं लगाया, बस ऐसा ही निकाल रहे हैं। प्रॉपरली जैसा हीट एंड एयर का प्रॉपर एंड हैंड स्किल प्रॉपर रहते तो बहुत ईजीली ये रिमूव हो जाता है यहाँ। और सारा एसी का टोटल फुल साइड हीट मार लेते हुए काम करना है और ईजीली ये अब रिमूव हो गया। अब इसको क्लीन कर लेंगे प्रॉपरली और बहुत इजी काम है ये जो काम है। फर्स्ट मदरबोर्ड को प्रॉपरली क्लीन करेंगे, उसके बाद आईसी को प्रॉपरली क्लीन करेंगे और रिमॉल करेंगे और फिक्स करेंगे। अभी जो हमारा बैच स्टार्ट होना है May 27, फ्रेंड्स जल्दी से जल्दी स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर को कॉल कर लो और अपना सीट बुक कर लो। जो प्रॉपर नॉलेज के साथ यहाँ काम सिखाया जाता है आपको, ईच एंड एवरी लाइन का डिटेल, कौन सा लाइन क्या वर्क कर रहा है, स्क्रीमेटिक डायग्राम, फॉल्ट फाइंडिंग, ये सारा चीज़ स्टेप बाय स्टेप होते हैं और ईच एंड एवरी सेक्शन की नॉलेज आपको प्रॉपरली दिया हो जाता है, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर भी। अभी अपने पास जो है अभी जो बैच स्टार्ट हो रहा है May 27 को स्टार्ट है बैच, कॉल करके बुक करा लो अपना सीट और वीडियो अच्छा से देखो, इसमें प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ है। जो लाइन के अंदर जो ट्रैक मिस है, एक छोटा सा ट्रैक के लिए अपने को सीपीयू खोलना पड़ता, तो ये सोचना अपने को हैंड स्किल भी बहुत इम्पोर्टेंट है और जो चेकिंग का मेथड है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। डायग्राम भी रीड करने आना और साथ ही साथ हैंड स्किल भी प्रॉपर रहना, ये दो चीज़ अगर प्रॉपर है आपको तो आप एक अच्छा टेक्नीशियन बन सकते हैं। और ये नॉर्मल काम के लिए, टच नॉट वर्किंग के लिए कस्टमर जब देता है फ्रेंड्स, तो जब अपना फ़ोन जो है ऑन कंडीशन में देता कस्टमर, जब अपन उसका सीपीयू निकाल रहे हैं और रिवॉल्व कर रहे हैं और डाल रहे हैं, तो उसके अंदर कस्टमर को फिर ऑन ही देना पड़ता। अगर तुम्हारे हैंड स्किल अगर प्रॉपर नहीं है तो तुम ये काम नहीं कर सकते, ताकि जो फ़ोन को डेड करके बैठते और परेशान हो जाते, ताकि इसलिए प्रॉपर एक कोर्स करके अगर काम करें तो आपके वर्क के अंदर बहुत सक्सेस रेटिंग बहुत अच्छा से मिलते हैं। ये सिखाता आपको प्रॉपरली फ़ोन फिक्स हैदराबाद, इसके अंदर आपको लाइव फ़ोन के अंदर काम कराते हैं, जो वर्किंग सेट के अंदर आपको सीपीयू कैसा रिमूव करना डालना ये सारा चीज़ जो है आपको फोन फिक्स हैदराबाद में प्रॉपरली बताए थे। और ड्यूएल टेकर, ब्लैक पेस्टेड, व्हाइट पेस्टेड, हैंड स्किल प्रॉपरली रहता और अंडर एसी जंपरिंग, ये सारा चीज़ और साथ ही साथ सेक्शन, ईच एंड एवरी सेक्शन चेकिंग और डेड के अंदर कैसा डायग्नोज करना, काम कहाँ से स्टार्ट करना है, वोल्टेजेस इनपुट आउटपुट वोल्टेजेस कैसा चेक करना है, कितने वोल्टेजेस बनते हैं, बग क्या है, इसके LDO लेंस क्या है, ये सारा चीज़ के बारे में आपको डिटेल के साथ क्लास रहता फ्रेंड्स। और प्रैक्टिकली इसको चेक करके या जो लाइव प्रैक्टिकल्स होते हैं इसके अंदर आपका ही फोन लाइव प्रैक्टिकल बताया जाता है फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो और शेयर करो और कमेंट करो। और इसमें जो लाइन मिस था अपना CS लाइन, चिप सेलेक्ट लाइन मिस था अपना, तो ये वाला लाइन, एक लाइन के लिए अपन CPU खोलना पड़ा। फ्रेंड्स अपना हैंड स्किल प्रॉपर रहना और फॉल्ट फाइंडिंग प्रॉपर करना और स्कीमेटिक को प्रॉपर रीड करना आना, ये सारा चीज़ आपको आता है तो ये काम करना बहुत ईजी है फ्रेंड्स। और हमारा जो बैच स्टार्ट है नेक्स्ट मंथ May 27 से स्टार्ट है। अभी जो आपको स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर है कॉल करो और अपना सीट बुक कर लो और आपका काम के अंदर बहुत कुछ अपडेट कर लो। ओके फ्रेंड्स, वीडियो स्किप मत करो और टोटल वीडियो देखो। थैंक यू।
जो सीपीयू तो बैठा दिए, तो रीडिंग चेक कर लेंगे या रीडिंग अपना उतरे सर। अपनी जो लाइन है ये वाला लाइन के ऊपर अपना 500 का रीडिंग आ गया, तो अपना कौन सा 6 नंबर का पिन पे रीडिंग मिस था, तो ये वाला रीडिंग अपना ओके हो गया। अभी चेक करेंगे अभी टच वर्क करता या नहीं करता, जो कोटेशन के अंदर अपना रीडिंग तो ओके हो गया। अभी अपना फोन ऑन हो गया, चेक करेंगे अपना टच वर्क कर रहा है या नहीं। ओके, अपना टच जो है पूरा वर्किंग स्टार्ट हो गया। ओके, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। ओके, इसका तो पासवर्ड नहीं है, कस्टमर का मोबाइल है ये, जस्ट इमरजेंसी कॉल्स के अंदर बताता हूँ मैं। टच प्रॉपरली वर्क कर रहा है, थैंक यू फॉर ना नहीं।